चिराग अंतिम का बड़ा भाई हूँ, हमें उसके दोस्त के थ्रू सूचना मिली कि आपके भाई का ऐसे ऐसे मर्डर हो गया। कब गया था वो? यहाँ से 22 सितंबर 2022 को एमबीए की पढ़ाई करने गया था। फिर अब एमबीए की पढ़ाई उसकी जस्ट पूरी हुई थी, अब वर्क वीजा पर आ गया था। कंपनी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम कर रहा था। जॉब करके अपनी शिफ्ट करके घर आया था। खाना खाया पिया, सैटरडे के अगले दिन छुट्टी थी, उसने सोचा कि थोड़ा घूम आता हूँ। तो वो 10:30 के करीब, 11:15 के करीब घर से निकला है। निकलते ही उसको गाड़ी में बैठते ही जैसे जो हमें सूचना मिली है उसको गोली चला दी गई है उस पर। जैसे अड़ोसी पड़ोसियों ने भी बताया, उन्होंने भी बताया कि 2-3 राउंड गोलियों की आवाज भी आई है। हम सरकार से न्याय की गुहार करते हैं, जल्द से जल्द हमारी डेड बॉडी इंडिया वापिस आ जाए। हम नरेंद्र मोदी जी को और जयशंकर जी को विनती करते हैं कि हमारे भाई जी डेड बॉडी जल्द से जल्द भारत आई जाए और हमें न्याय मिले। अच्छा, कनाडा पुलिस का कुछ कहना है? कनाडा पुलिस का कुछ भी कहना नहीं है, वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये बोल रहे ना, हमें बता रहे हैं, उसके दोस्तों को भी नहीं बता रहे जो हमने ऑथराइज करे हैं वहाँ पे, इनको हैंड ओवर कर दी जाए हमारी बॉडी। उनको भी सिर्फ ये तक भी नहीं बताया कि कहाँ पे हमारी डेड बॉडी है, किसी को कुछ नहीं पता। कोई मेल वगैरह आई आपके पास? मेल आई है हमारे पास कनाडा पुलिस से कि आपके भाई का मर्डर हो गया है, ऐसे ऐसे बस एक मेल आई। अच्छा, कितनी आयु थी और कब, कितनी आयु थी? 24 साल।